पर से अनु जी, मंगलवार को जब बाजार खुलेंगे तो क्या स्ट्रेटजी रहे और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे? जब सोमवार को हम ट्रेड के लिए लौटेंगे तो ढेर सारे संकेत होंगे आपके पास विदेशी बाजारों के, हाफ डे आज अमेरिका का, और इसके अलावा एक बड़ा एक्शन आपको नजर आएगा सोमवार का भी, और उसके बाद मंगलवार सुबह के डाउ फ्यूचर्स भी। इन सब के बीच में आपको देखना है कि भारतीय बाजारों की किस तरह की शुरुआत होती है, लेकिन शुरुआत के बाद इस बात पर काफी कुछ एक्शन डिपेंड करेगा कि एफआईएस के किस तरह के आंकड़े खरीदारी या बिकवाली के आते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के, वो बाजार का मूड माहौल तय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात साफ है, निचले स्तरों पर जो खरीदारी का सपोर्ट आता दिख रहा है, अब बाजार के लिए सोमवार को 12,850 12,925 इमीडिएटली सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 13,050 13,150 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। हायर रेंज आप मान सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग से ज्यादा हायर रेंज वो होगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 29,250 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 29,750 से 29,900 की रेंज जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। बड़ा मूव इस रेंज को पार करके टिके दोनों इंडेक्स किसी एक तरफ तो ही आने की संभावना है। शायद इंडेक्स थोड़ा रेंज बाउंड दिख रहा है, लेकिन एक बात साफ देख रहे हैं, सेक्टोरल रोटेशन, प्रॉफिट बुकिंग और खरीदारी ये बिल्कुल जोर से चल रही है। और दूसरी चीज जो साफ दिख रही है वो ये कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर और बढ़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सब पर आपको रखनी है नजर मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन पर। जी शुक्रिया अनिल जी, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए और मंगलवार के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं संदीप जी, आपके पास फिर लौटेंगे थोड़ी देर में। दिसंबर में बाजार के लिए क्या खास रहने वाला है ये समझना बहुत जरूरी है, क्या अहम ट्रिगर्स हैं ये जानते हैं। हमारे साथ है देवांशी आश्रय जो हमें बताने वाले। देवांशी जरा बताएं, दिसंबर में मार्केट की जो नजर है किन मेजर इवेंट्स पर रहने वाली है? दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले कल की बात करें यानी कि 28 नवंबर की, तो TCS बायबैक की रिकॉर्ड डेट है, इस पर नजर रखनी है। साथ ही ओपेक की 2 दिनों की बैठक है जो शुरू होती हुई दिखेगी, और यूनियन बैंक पर फोकस है जहां पर शेयरधारकों के साथ FPO राइट इश्यू और QIP पर चर्चा होती हुई दिखेगी, और कोई फैसला आता हुआ दिखेगा। 1 दिसंबर को NSE पर सोयाबीन के वायदे लॉन्च होंगे। कोल इंडिया नॉन कुकिंग कोयले की कीमत में जो बढ़ोतरी की थी, जो मंजूरी दी थी, वो लागू होती हुई दिखेगी। 10 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी की गई थी, वो लागू होती हुई दिखेगी। 2 दिसंबर ये सबसे अहम होगा सीरीज के लिए, क्योंकि MPC की 3 दिनों की बैठक शुरू होती हुई दिखेगी, इस पर चर्चा होगी। और साथ ही टाटा मिस्त्री मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। नालको के अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है, और साथ ही बर्गर किंग का IPO खुलता हुआ दिखेगा। 3 दिसंबर अजंता फार्मा का बायबैक खुलने वाला है। 4 दिसंबर RBI की पॉलिसी पर फैसला आएगा, और बर्गर किंग का IPO भी बंद होता हुआ दिखेगा। 8 दिसंबर पर नजर कीजिए, जहां पे LIC सरकारी हिस्सा घटाने की जो बोली है उसका आखिरी दिन है। 9 दिसंबर विप्रो के बायबैक में हिस्सा लेने का आखिरी मौका होगा, क्योंकि 11 दिसंबर को उसकी रिकॉर्ड डेट है। साथ ही 11 दिसंबर को शॉपर स्टॉक का राइट इश्यू भी बंद होगा, और अक्टूबर महीने के IAP के आंकड़े भी जारी होते हुए दिखेंगे। 14 दिसंबर CPI और WPI के आंकड़े जारी होंगे, इस पर नजर रहेगी। और साथ ही 15 दिसंबर को FOMC की 2 दिन की बैठक शुरू होती हुई दिखेगी, तो मार्केट्स का वहां पे फोकस होगा। 24 दिसंबर US में क्रिसमस से पहले हाफ डे होगा, और 25 दिसंबर क्रिसमस की छुट्टी है, लेकिन साथ ही मजिस्को के डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी तय की गई है। और आखिर में 31 दिसंबर पर नजर कीजिए, जहां पे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख है। तो साल का आखिरी महीना दिसंबर क्या खास रहने वाला, इवेंट्स बताने के लिए शुक्रिया आपका देवांशी। आगे बढ़ते हैं, मंगलवार को जब बाजार खुलेंगे तो नवंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आएंगे, क्या खास रहने की इस बार संभावना है ये समझते हैं जरा कुशल से। कुशल जरा बताएं, इस बार कैसी बिक्री की उम्मीद की जा सकती है? जी, तो नवंबर महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े जो है स्टेबल साइड पर रहने का अनुमान है। छोटे बेस के चलते सभी सेगमेंट्स को हल्का फायदा होता हुआ नजर आएगा सालाना आधार पर। वहीं अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो वहां पर डबल डिजिट का ग्रोथ जो है हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही टू व्हीलर स्पेस की बात करेंगे तो मासिक आधार पर यहां पर बड़ी फॉल एक्सपेक्टेड है, और इसके साथ साथ अगर आप ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो यहां पर लगातार एक आउट परफॉर्मेंस हमें इस बार भी देखने को मिल सकती है। वहीं कमर्शियल व्हीकल स्पेस में भी एक कहीं ना कहीं रिकवरी के संकेत जो है आपको इनके आंकड़ों में आते हुए नजर
नजर आएंगे। और साथ ही टू व्हीलर्स एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वहां पर भी बढ़त से जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टू व्हीलर कंपनियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं सालाना आधार पर एक सहारा मिलता हुआ नजर आएगा। तो चलिए पैसेंजर व्हीकल्स को देखें तो यहां पर मारुति सुजुकी का 12% हम सालाना आधार पर बढ़त एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। वहीं M&M जो है अभी भी दबाव में रहेगा, करीब 11% की फॉल यहां पर एक्सपेक्टेड है। टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प समेत बजाज ऑटो टीवीएस मोटर सालाना आधार पर 8-10% का उछाल रहेगा। वहीं मंथ ऑन मंथ आधार पर 28-30% की गिरावट जो है हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ साथ अगर आप नवंबर में सीवी स्पेस की बात करें तो यहां पर पहली बार कहीं ना कहीं आयशर मोटर्स हमारे अनुमान में पॉजिटिव टेरिटरी में जाता हुआ दिख रहा है। 2% की बढ़त जो है हम यहां पर एस्टिमेट करके चल रहे हैं सालाना आधार पर जो इनका वीसीवी सेगमेंट है। वहीं अशोक लेलैंड में भी जो गिरावट है सालाना आधार पर वो भी कम होती हुई दिखेगी, करीब 5% की ही फॉल एक्सपेक्टेड है। और अंत में M&M देखिए आप इनका जो ट्रैक्टर डिवीजन है उसके बारे में 43% की बढ़त जो है एक्सपेक्टेड है सालाना आधार पर मंथ ऑन मंथ आधार पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी हम 36% की फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सालाना आधार पर ट्रैक्टर सेगमेंट अभी भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। शुक्रिया कुशल इस पर जानकारी देने के लिए। संदीप जी, नवंबर बिक्री के आंकड़ों से पहले ही हमने देखा है टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो और हीरो मोटर ने काफी अच्छी रफ्तार पकड़ी। टाटा मोटर्स इनफैक्ट 3% चढ़कर 10 महीने के ऊंचाई पर भी पहुंच गया। इस सेगमेंट पर अगर फोकस करें तो कहां पर खास नजर रखी जाए? बिल्कुल, मैं देखिए पिछले अगर 6-7 महीनों में जब भी बात हुई है तो मैंने मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो ये तीनों को बहुत ज्यादा मैंने प्राथमिकता दी। और मुझे ऐसा लगता है जो पर्सनल व्हीकल की जो अगर वो डिमांड बढ़ रही है तो बेसिक व्हीकल मारुति बनाती है तो मारुति पे बहुत कॉन्फिडेंस है मुझे। बट यस, ये सारे स्टॉक बहुत बड़े रन अप दे चुके हैं तो दे आर वेरी गुड पिक्स फॉर लॉन्गर टर्म। बट अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो मुझे लगता है काफी हद तक काफी चीजें डिस्काउंट हो चुकी है, ये सारी गुड न्यूज। तो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं और बाकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो होल्ड करके रखे। तो आई एम बुलिश ऑन दिस एंड इवन टाटा मोटर्स ने भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है बट वहां पे मुझे ओवरऑल बैलेंस शीट पे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो देखते हैं डेट फ्री कैसे होती है आगे आने वाले दिनों में, उसके बाद और दिमाग लगाएंगे। बट फिर भी मारुति एंड हीरो मोटोकॉर्प एंड बजाज ऑटो दे आर द बेस्ट और थोड़ा बहुत महिंद्रा एंड महिंद्रा में देख सकते हैं क्योंकि ट्रैक्टर के सेल्स को लेकर वहां पे भी काफी वाइब्रेंट माहौल। तो बिक्री के आंकड़ों से पहले काफी रफ्तार में कुछ ऑटो शेयर हमें देखने को मिले हैं, नजर रहेगी जो भी आंकड़े।